खुदावंद यसुम से के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूँ आपके होस्ट कुलसुम एमेंदिल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविजन प्रोग्राम आउट में। आज हम आपको लेकर आए हैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में और आज हम यहाँ पर मिलेंगे एमपीए सिंध असम्बली की जो प्रोवेंशल असम्बली की मेंबर हैं मैडम मंगला शर्मा, उनसे मिलेंगे और आपको भी मिलवाएंगे और हम माइनॉरिटी के राइट्स के लिए और ख़वातीन के हकूक़ के लिए कुछ बातचीत करेंगे। तो हम आपको ज़्यादा देर नहीं करवाएंगे, आइए मिलते हैं मैडम मंगला शर्मा से। खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम एमेंदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आउट चलें जी। तो व्यूवर्स, आज हम एमपीए जो सिंध की मेंबर ऑफ प्रोवेंशियल असम्बली हैं मिस मैडम मंगला शर्मा, इनके साथ मौजूद हैं और आपको बहुत खुशी होगी इनसे आज मुलाकात करके, जिस तरह से मुझे भी बहुत हो रही है। अच्छा मैम, वेलकम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आपकी आपका जो खलूस है, आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं सिविल सोसाइटी के लिए, तो उनकी उस मोहब्बत के तहत और सब लोग आपको हमेशा याद करते हैं और ये आपकी मोहब्बत है और हमारे लिए इनकरेजमेंट का बायस है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जिस तरह लोग आपको जानते हैं कि आप सिविल सोसाइटी से बिलोंग करती हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यहाँ तक पहुँची और ख़ुदा ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा, मुझे ये बताइए कि आपके पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ कैसे हुआ? कैसे सोचा कि एक जो है वो बंदी उठे और जाके पॉलिटिक्स में आ जाए, जबकि डिस्करेजमेंट ज़्यादा है वुमेन के? एग्जैक्टली, ऐसा हुआ था कि सन 2001 की बात थी। okay. जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस अनाउंस हुए, ठीक है, तो पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को एक ऐसी ख्याल आया, तो उन्होंने कहा कि तुम ना इलेक्शन में कंटेस्ट करो। तो मैंने कहा मैं, मुझे तो, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ ही थी, तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, इनफैक्ट मैंने तो कभी अपना वोट ही नहीं डाला ज़िंदगी में। तो कहा नहीं नहीं नहीं, तुम कर लोगी ये वो, बहरहाल वो उन्होंने किस तरह से, मुझे कुछ नहीं पता था ना, इलेक्शन का प्रोसेस पता था, किस लिए हो रहे हैं, कैसे होंगे, क्या लोकल बॉडीज़ क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। बस वो फिर जब गए तो मैंने अप्लाई किया और उसके बाद थोड़ा चलते रहे। फिर मैंने यूनियन काउंसिल की सीट विन की माइनॉरिटी पर, उसके बाद फिर अलायंस बनाया तमाम माइनॉरिटीज़ के लोगों ने और जितने काउंसलर्स थे। फिर हमने जमात इस्लामी का, उस वक्त गवर्नमेंट थी ना, 2001 की बात है। ओके. फिर हमने उसमें अलायंस बनाया और उसमें मुझे उन्होंने सिटी पर वुमेन सीट दे दी। तो मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि मैं तो किचन से काउंसिल में आई हूँ, क्योंकि मैं, मुझे कुछ नहीं पता था मैं किचन में रहने वाली, और इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ का पहला वोट खुद को ही कास्ट किया था। मैं वही कहने हाँ। वाली थी जब आप कह रहे थे मैंने कभी किसी को वोट कास्ट नहीं किया, तो मेरे का इसका मतलब पहला वोट खुद को ही डालने वाला, खुद को ही किया। और ये अच्छी बात थी कि मैंने वो फिर इलेक्शन विन भी किया था। तो उसके बाद फिर मैं चलती रही। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि अगर हम सोशल वर्क करना चाहते हैं, लोगों का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स है। क्योंकि पॉलिटिक्स में आपके पास कुछ पावर होता है और हम काम किसी के तभी कर सकते हैं जब आपके पास पावर हो, नोहा हो और आपकी अप्रोच हो। तो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स और जो इंसानियत की खिदमत है सोशल वर्क, वो अलग नहीं है, वो बिल्कुल एक ही चीज़ है कि हम उसको अगर अपने पावर के साथ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। फिर वो जब चलते रहे, फिर 2002 के बाद जॉइंट इलेक्टोरल हो गए, इससे पहले सेपरेट थे, तो फिर हमें किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी। और फिर मैंने पॉलिटिकल पार्टी को जब सोचा तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि सोच विचार के बाद कि मैं एमक्यूएम को ज्वाइन करूं। और फिर मैंने 2005 में एमक्यूएम को ज्वाइन किया और जब से ज्वाइन किया है तो मैं अभी तक फुली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने सही जगह इंतखाब किया, क्योंकि मैं बेहतर तौर पे वहाँ पर अपना जो सर्विसेज हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए दे पा रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, पहले आपने जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन लड़ा और आपने ख़ुद को वोट कास्ट किया और ये खूबसूरत बात है, और अभी फिर आपने एमकेएम की, नहीं मैं थोड़ा सा ये करूँ, जमात इस्लामी के से हमने अलायंस किया था, ठीक है, अब वैसे अच्छा, हम अपने इंडिपेंडेंट थे, वो करेंगे, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट थे, जमात इस्लामी से अलायंस किया था, तो वो सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में मुझको सीट मिली थी। ओके, जमात इस्लामी को ज्वाइन नहीं किया मैंने कभी भी। ठीक है, सही, यानी आपने डायरेक्ट जो है वो एमकेएम को ज्वाइन किया।
हाँ, ये जब मुझे पॉलिटिकल, क्योंकि 2001 तक तो पॉलिटिक्स में हमारे सेपरेट इलेक्टोरल था, तो हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसा जरूरत नहीं थी। लेकिन जब 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने ज्वाइंट में दे दिया, तो उसके बाद जाहिर है जो सिस्टम बना उसमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी, उसके बगैर हम इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे, कहीं वो नहीं कर सकते, इसलिए फिर मैंने उसकी ज्वाइन किया। सही। अच्छा मैम, ये बताइए कि अभी आप MQM के साथ हैं, और आपने बड़ा एक खूबसूरत जुमला कहा कि आप फुली सेटिस्फाइड हैं, और MQM के लिए एक बी द लाइट टेलीविज़न के तवसत से एक बात मैं भी कहती चलूँ कि MQM की हमने देखी कि काफ़ी सारी चीज़ों में माइनॉरिटीज़ का थोड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि और पार्टीज़ भी हैं, जैसे पीपल्स पार्टी भी बहुत लिबरल पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टी है जो अच्छा काम करेगा। व्यूअर्स, हम उनके लिए ज़रूर अच्छे तारीफ़ी कलमात कहेंगे। MQM में रहते हुए, और ख़ास तौर पर पहले हम बात करते हैं पार्टी से पहले खातून होने की, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा इससे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम दोनों ख़वातीन हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक मेंटल अप्रोच एक बेहतर हो जाती है। अच्छा, जब खातून होते हुए आपने इतने बड़े बड़े स्टेप्स अचानक से लिए, और बहुत खुशी की बात ये कि आपको आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे थे और इस सारी चीज़ में लेके आ रहे थे, तो ख़वातीन के लिए आपने अब तक कितने काम किए, और आपने उनको अपनी मिसाल देकर कितनी दफ़ा आपको देनी पड़ी कि यार मुझे भी देखो, मैंने भी इस तरह से काम किया और आज मैं किस मुकाम पे हूँ, आप लोग भी आगे बढ़ें। मेरा ख्याल है फर्स्ट, ये एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी है कि जब मैं फर्स्ट, मेरा ये इलेक्शन हो रहा था कंटेस्ट, तो कोई मेरे साथ नहीं थे, कोई वर्कर्स नहीं थे, हम आपस में कर रहे थे, और जिस दिन इलेक्शन का डे आया, जो मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड और मेरा भाई कर रहे थे, उन दोनों की ड्यूटी लग गई, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर की, मैं अकेली थी। अच्छा, जहाँ पर मैं जिस इलाके से कर रही थी कंटेस्ट, वहाँ एक पार्टी ने उस वक्त उसको बायकॉट किया, और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर वोट देने के लिए निकलेगा तो फिर हम उसका ना अंगूठा काट देंगे। अच्छा, ऐसा हुआ। फिर 11 बजे तक मुझे लोगों ने कहा कि जी आपको तो लोग ही नहीं निकल रहे, क्योंकि का वोट था, माइनॉरिटी के लोग डरते हैं। तो फिर मैंने बस, वो पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मैंने खुद गई मैं उनके पास, और मैंने कहा देखिए आप डर रहे हैं ना, आप मुझे वोट देने से डर रहे हैं, लोगों को मारना होगा, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे मार देंगे, आप कम से कम, मैं भी आपकी तरह हूँ, आपके मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं छोड़ के आई हूँ, आप इस तरह से मौका है अपना इस्तेमाल करें ना अपना हक वोट का। तो मेरा कहने का बड़ा फ़र्क पड़ा और लोग निकले, और मैंने वो इलेक्शन विन भी किया था। ये इतना आसान नहीं है किसी भी खातून के लिए इस तरह से आगे आना, क्योंकि हमारे एक माशरे, मेरे हस्बैंड की मुझे फुल सपोर्ट थी, लेकिन ख़ानदान में ही, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से था, तो उसमें इस तरह कभी कोई ख्वातीन या खातून इस तरह से आगे नहीं आई। सही। तो न मेरा कोई फायदा, इस तरह का बैकग्राउंड था पॉलिटिकल कहीं से भी, तो एक बड़ी अजीब सी नई सी बात थी, जो मेरे फादर इन लॉ कहते थे कि हम तो, हमारी औरतें तो इस तरह बाहर नहीं निकलती, और ये 500 मर्दों में अकेली बैठती है। तो उसके बाद फिर ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि लास्ट में जब उनकी डेथ होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि ये मंगला को आप रोकना कभी भी नहीं, वो जहाँ तक जाना चाहती है आप जाने दें, इसकी मंजिल बहुत आगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, और मैंने फिर उस पर जब अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाया, क्योंकि सिर्फ बाहर आ जाने से, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने घर को, सोसाइटी को, फैमिली को अगर आप छोड़ के बाहर काम करें, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। और जब तक आप सबको साथ लेके चलते हैं, बेहतर मैनेजमेंट करते हैं, तो फिर आपके लिए रास्ते निकलते हैं। गो के आपको मुश्किलात बहुत होती हैं, आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, हार्ड वर्किंग भी करनी पड़ती है, लेकिन आपको कुछ पाने के लिए सारी चीज़ों पे मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और जब आप मेहनत करते हैं, तो मैं तो सिर्फ एक बात समझती हूँ कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस मैंने उसी को देखा और कोशिश करती रही, और इसी तरह मैं आगे बढ़ती चली आई। बहुत खूबसूरत बात आपने की, और ख़वातीन की तरफ से एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है कि ख़वातीन ही वो हस्ती होती हैं जो कि सबको साथ लेकर बड़ी बड़ी जगहों पर चलती हैं, और कभी भी किसी को भी कमी महसूस नहीं करने होने देती। ये सिर्फ औरत का ही काम है, आदमी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट, बट ऑब्वियसली ख़वातीन बहुत अच्छे से इसको मैनेज करती हैं। मैम, बात करते हैं और ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में, और MQM को आपने जब ज्वाइन किया, और बाकायदा अब आप उसकी मेंबर हैं, और अब आप MPA लेवल पर हैं, और 2018 में व्यूवर्स अगस्त से मंगला शर्मा जो हैं वो सिंध असम्बली की जो मेंबर हैं, और आपने रिज़र्व सीट पे, वुमेन के रिज़र्व सीट पे आप इलेक्ट हुई हैं, और अभी तक आपने ख़वातीन के लिए
MQM के हवाले से, या उन्होंने MQM ने कितना सपोर्ट किया कि ख़वातीन को या माइनॉरिटीज़ को जो प्रायोरिटी दी जाए या उनके हकूक की बात की जाए? देखिए, मैंने जब MQM को ज्वाइन किया था तो ये बात मेरे जहन में थी कि आप बाहर जब निकलें तो बीइंग अ लेडी, बीइंग अ खातून, मेरी अपनी रिस्पेक्ट क्या होगी। और मैंने इस चीज़ को जब सोचा तो मुझे लगा कि ये MQM वाहिद पार्टी ऐसी है जिसमें कोई लॉबी नहीं है। आप और पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाएँ ना तो आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए मिलते हैं, मुख्तलिफ लॉबीज़ होती हैं, आप उसके साथ बात करना, हमारे यहाँ आप काम करें आपको मेरिट पर आपको कह दिया जाता है। और फिर लेडीज़ की इतनी रिस्पेक्ट होती है कि अगर मैं 12 बजे भी लेडीज़ रो के उनके साथ रहूँ तो मुझे सिक्योरिटी फील होती है। तो ये एक मेन चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने MQM को ज्वाइन किया, जो मेन MQM ज्वाइन करने की वजह यही थी। और मिडिल क्लास पार्टी है, क्योंकि मिडिल क्लास हमारे जैसे लोग हैं, उनकी सोच ऐसी है, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी। फिर मैंने किया। फिर उसके बाद ये कि 2016 में उन्होंने मुझे अपनी जो हमारी लेडीज़ विंग है, सेंट्रल लेडीज़ विंग MQM की, मैं उसकी मेंबर हूँ। 2016 में जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए वहाँ भी उन्होंने मुझे एज अ काउंसलर दोबारा सीट दी थी, वुमेन सीट मुस्लिम वाली, उसको मैंने एक साल तक रही। फिर जब ये वाले जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें उन्होंने मुझे यहाँ पर MPA के लिए सेलेक्ट किया। बीइंग ए ख़वातीन, मैंने काफ़ी अपने तौर पर काम किया, और मेरी कोशिश ये होती है कि ओवरऑल अंडर प्रिविलेज अगर देखा जाए तो पूरी ही ख़वातीन हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन सिर्फ माइनॉरिटी की वुमेन का मसला नहीं है, हर बच्ची का मसला है। अगर उसके लिए हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो सबके लिए इश्यूज़ हैं, तो ओवरऑल लेडीज़ के लिए, लेकिन कहीं कहीं माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा इशू होते हैं। सिंध असेंबली में मैंने माइनॉरिटीज़ के लिए लेजिस्लेशन में कन्वर्जन का बिल आया, उसमें मैंने बात की। सिंध कमीशन स्टेटस का जो हमारा कानून बना हुआ था, मैं उसकी भी मेंबर हूँ। स्टेटस ऑफ वुमन, जी स्टेटस, मैं उसकी भी मेंबर हूँ। इसके अलावा वुमेन के लिए हम लोगों ने कोशिश की थी विद इन अ पार्टी ही, क्योंकि जो छोटे निचले दर्जे की लेडीज़ हैं जो बेचारी इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती, किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर सकी, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, पढ़ो और बढ़ो। ज़बरदस्त। वो हम अपने MQM के जो हमारे सेक्टर्स हैं, जितने इलाके हैं, हमने हर इलाके में जाके वो शुरू किया था। वहाँ हम जाके उनको पढ़ाते थे, उनको थोड़ी बहुत चीज़ें बताते थे, और हमारी कोशिश ये थी कि एटलीस्ट वो ख़वातीन अखबार या कुछ चीज़ें पढ़ना सीख जाएं और अपनी सिग्नेचर करना सीख जाएं, उन्हें पता हो बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है। उस तरह से हमने एक ये प्रोग्राम किया था, जिस प्रोग्राम का बड़ा सक्सेस भी हुआ, और बाजी लेडीज़ ने जो है उसमें बड़ा अच्छा रोल अदा किया। जहाँ तक असेंबली की बात है, अच्छी बात ये है पार्टी की, लोग कहते हैं कि जी हमारे स्पेशली माइनॉरिटी के लिए कहा जाता है, जी वो तो पार्टी के उस पर आते हैं, लिहाजा उन्होंने तो पार्टी को खुश करना है, उन्होंने बोलना नहीं है या कुछ है। ये एक बड़ा कॉमन सा एक वो बन गया है तासुर लोगों के जहन में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पार्टियाँ नहीं रोकती, वो भी चाहती हैं, क्योंकि जब आप पार्टी के बिहाफ पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो नाम पार्टी का हो रहा होता है। दुरुस्त। और पार्टी का जब नाम होता है तो पार्टी, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि उनके लोगों के काम ना हो या लोगों की चीज़ें ना हो। लेकिन अगर हम देखें, हर जगह सारे लोग अच्छे नहीं होते, सबकी एक सी स्किल्स नहीं होती, तो कुछ लोग होते हैं कि अगर वो आप काम नहीं कर रहे तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उनको आप पार्टियाँ रोक रही हैं। काम जो करना चाहते, मैं खुल के बात करती हूँ, आप मेरे स्पीचेस उठा लें, लेकिन मुझे आज तक पार्टी ने मना नहीं किया। चाहते तो मना करते लेकिन नहीं किया। मैं कहते, वो कहते हैं ठीक है भाजी, आपको जो करना है आप बात करें, अब मैं कहीं भी इंटरव्यू दे दूँ, मैं कहीं जाऊँ। तो हमने वुमेन के लिए कोशिश ये हम कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो हमारी वो लेडीज़ हैं जो बाहर इतना नहीं निकल पा रहे, उनको हम छोटे छोटे कुछ स्किल्स सिखा दें, उनको कहीं ना कहीं मिला दें ताकि वो अपना कुछ काम कर सकें, क्योंकि महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है एक जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना। सही। आपके जिस तरह से आपने इतनी खूबसूरत बात की कि अगर कोई बोलने वाला हो और अगर कोई आवाज़ उठाने वाला हो तो वो अपना मकाम खुद ही बना ही लेता है और अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचा ही देता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। इसी एक शॉर्ट नोट पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हम कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स,
व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविजन और इस वक्त हम मंगला शर्मा के साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प बातें हो रही हैं। मैम, बी द लाइट टेलीविजन आज आपके साथ है और बी द लाइट टेलीविजन के तवस्सुत से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हम आपके पास ये प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं। बी द लाइट टेलीविजन चाहता है कि आप ख़वातीन के लिए जिस तरह काम कर रही हैं, ज़रूर कुछ माइनॉरिटी की ख़वातीन को याद रखिए और उनके लिए जो भी प्लान्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए या ख़वातीन से हम आपको मिलवाएंगे ताकि कुछ उनकी बेटरमेंट के लिए हम कोशिश कर सकें। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए, क्योंकि आप भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में मजहबी अकलियतें कितनी आज़ाद हैं? बड़ा मुश्किल सा सवाल है। बहुत मुश्किल है, मगर कुछ थोड़ा मैनेज करके जवाब। मसला ये है कि एक तो ये चीज़ है कि जो मजहबी अकलियतें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं। दरअसल ये अलग बात है कि अगर यहाँ पर हिंदूज़, क्रिश्चियन या दीगर मज़ाहिब की माइनॉरिटीज़ में हैं तो कहीं वहाँ वो मेजॉरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है। तो एक जो क्वेश्चन आम तौर पे किया जाता है, और यहाँ हर लोग बड़े आराम से, बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग भी बड़े फोरम्स पर कह देते हैं कि जी हमारा बस चलें तो हम पाकिस्तान में अकलियत के नाम को हटा दें और हम उसका नाम नॉन मुस्लिम रख लें या गैर मुस्लिम रखें। तो मेरा हमेशा इस बात पे एतराज़ होता है, क्योंकि अगर हम माइनॉरिटी में हैं तो हमारी ये एक आइडेंटिफिकेशन है, हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम आज ये कहते हैं कि ठीक है हम यहाँ नॉन मुस्लिम ऐसा कहलाए जाएं, तो क्या इंडिया में रहने वाले मुसलमान नॉन हिंदूज कहलाएंगे या यूरोप में रहने वाले मुस्लिम्स हैं वो नॉन क्रिश्चियंस कहलाएंगे? तो ये एक अच्छा नहीं है कि हम वर्ड यूज़ करें। और देखें, अगर माइनॉरिटीज़ हैं, हम सिर्फ यहाँ ये कहते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी, हमारा रिलीजन अलग है, बीइंग ए सिटीजन तो हमारे वही राइट है। और बात ये है कि रिलीजन आपका अपने तक होता है, अपने घर तक होता है, लेकिन मैं अपने घर में क्या करती हूँ, क्या रिलीजन फॉलो किया, किस तरह से करके आती हूँ, मेरा काम है, मेरा पर्सनल मैटर है। बिल्कुल, लेकिन मैं जब अपने घर से निकलती हूँ तो वहाँ से मेरे वो तमाम राइट शुरू हो जाते हैं जो किसी भी एक मेजॉरिटी के बंदे के राइट है। बिल्कुल सही, क्योंकि मेरी अपनी जो शनाख्त है, मेरी पहचान है, मेरा मुल्क, मेरा रिलीजन मेरे अपने हद तक तो पहचान हो सकती है। जब मैं बाहर जाते हैं ना मुल्क से, तो लोग मेरा ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल सही, वो मेरे ये नहीं देखते हैं कि आपने टीका लगाया है या नहीं, नहीं लगाया है। बिल्कुल, तो हमें जो कहते हैं कि आज़ाद हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का रहने का मकसद ही ये है कि जब 1947 में कायदे आज़म ने जब अपनी स्पीच की थी बड़ी कि माइनॉरिटीज़ को तमाम राइट्स भी होंगे और वो आज़ाद होंगे, तो मेरा ख्याल है तभी ये स्पीच के बाद ही हमारे जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने यहाँ रहने का फ़ैसला किया 11 अगस्त। और उसके बाद से भी पहले आप देखें कि अगर हम और डीप में जाएँ तो पाकिस्तान तो बना ही माइनॉरिटी के वोटों से। जब माइनॉरिटी के वोटों से बना है तो इट मीन्स कि माइनॉरिटी को पता था कि हमने यहाँ पे रहना है और यहाँ रहने के लिए, उसके बाद कुछ वाक़यात हालात इस तरह होते चले गए कि कुछ पीछे चले जाते चले गए और कुछ एक एरा ऐसा भी आया जिसमें वाकई माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती हैं बहुत ज़्यादा अरसे तक तो उसको ठीक होने में उससे डबल टाइम लगता है। बिल्कुल दुरुस्त है, चीज़ें ख़राब जल्दी हो जाती हैं, फिर भी इस हद तक कह देना कि जी माइनॉरिटीज़ को तमाम हकूक़ हासिल हैं तो मेरा ख्याल है वो भी सही नहीं होगा। और अगर ये कहा जाए कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और माइनॉरिटीज़ बहुत मुश्किल में हैं, तो मैं समझती हूँ वो भी सही नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें बात भी करनी होती है, हमारे मसाइल भी हैं, स्पेसिफिक माइनॉरिटीज़ से मसाइल होते हैं जिस पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा। जब क्योंकि एक आप समझे 9/11 के बाद से इंटरनेशनली एक एक्सट्रीमिज़म की एक फ़ज़ा हो गई है, तो वो हर तरफ हुई है और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में रहने वाली माइनॉरिटीज़ पे पड़ा है, चाहे उसका रिलीजन कोई सा भी हो। इसीलिए आप देख रहे होते हैं पाकिस्तान में अगर बहुत से वाक़यात हो रहे हैं तो आपको और वो मुल्कों में जो लिबरल है, जहाँ उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, बींग सिटीज़न बड़ा ख्याल किया जाता है, वहाँ भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये हकीकत है कि यहाँ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और उस पर काम करने की गुंजाइश है, क्योंकि अगर बिल्कुल ठीक है उनको राइट्स हैं लेकिन अभी उस तरह से उनको प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे,
जितने के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम ये बताइए कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की एमकेएम के पार्टिसिपेशन की, तो मैं ये पूछती चलूँ क्योंकि सबसे पहले सिंध में प्रेजेंट किया गया था बिल एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन का कि हम उसको पास करवाते यहाँ से, एमकेएम ने कितना साथ दिया उसको पास करवाने में, ये अभी कितना सपोर्टिव हो सकता है एमकेएम उसको पास कराने? इस वक्त अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी हर जगह ये क्रेडिट ले रही होती है और मेरा ख्याल है कि सही भी है कि सिंध वाहिद प्रोविंस है जहाँ प्रो वेमेन प्रो माइनॉरिटीज़ लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई। बिल्कुल दरअसल तो इस बात में ये भी देखें कि यहाँ पर सिंध में पीपल्स पार्टी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हमेशा एमकेएम रही है, और अगर एमकेएम आइदर वो गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के साथ थी या वो अपोजिशन में थी, जब तक उनका उनके साथ सपोर्ट ना होती तो शायद इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। तो हमेशा से पीपल्स पार्टी ने इस तरह के किसी भी बिल में उन्होंने साथ दिया, और जो पहला बिल जो ये एंटी कन्वर्जन का बिल आया था उसमें पूरी ही असेंबली ने मेम्बरान ने उसको मुत्तफिका तौर पर पास किया। बाद में जाके जब गवर्नर के पास से वो कुछ, क्योंकि हमारी मजहबी जमातों ने एतराज़ात उठाए तो गवर्नर के पास से वो उसके प्रेशर गवर्नर आए और वो अब वापस हुआ था बिल। उसके बाद हमने दो मर्तबा नंद कुमार गोकलानी ने और हमने कोशिश की, हमने रेजोल्यूशन लाने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि पार्टी में जब कुछ इस तरह की और भी ऐसी मजहबी जमातें हैं और वो जब बात करती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें वो हो जाती हैं, तो कोशिश के बावजूद भी हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ पॉलिटिकल पार्टियों का कसूर नहीं है, कहाँ से ये चीज़ें रुक रही हैं या कहाँ से नहीं हो पा रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और वो कहीं ना कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है। अच्छा मैम आपका बहुत शुक्रिया, हम जल्दी जल्दी बात करते जाएं क्योंकि मैम के पास भी वक्त की कमी है। मैम मुझे ये बताइए मैनिफेस्टो के ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि एमकेएम के पास माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए लास्ट मैनिफेस्टो था उस पर कितना अमल दरामद हुआ और आइंदा आप क्या प्लान करने जा रहे हैं, क्या आपके तवस्सुत से, क्योंकि आप हमारे यहाँ पर एक एमपीए हैं एमकेएम में, तो क्या हम उम्मीद रखें कि आप हमारे लिए हमारे राइट्स के लिए माइनॉरिटी हिंदू सिख क्रिश्चियन सब पारसी सब लोगों के राइट्स के लिए कुछ मैनिफेस्टो में तब्दीली करवा सकती हैं? मेरा ख्याल है मैनिफेस्टो जब पार्टी बना रही होती है तो उसके सामने एक बड़ी लार्जेस्ट स्कोप होता है, सारी चीज़ें उनको देखनी होती हैं, सारे अपने वोटर्स अपने लोगों को और फिर दीगर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी सबको वो देख भी रहे होते हैं। तो आपको मैं एक और भी खुशाइन बात बताऊं कि अभी भी जिस तरह लोकल बॉडीज़ में ट्रांसजेंडर्स की सीट्स हुई हैं, तो अभी अगले हफ्ते में ये चल रही है कि हमारे पास ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो भी हमारे उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि पर्सन विद डिसेबल्स जो वो हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में एमकेएम वाहिद जमात है जहाँ हमारा बाकायदा इसका विंग बना हुआ है, इन लोगों का इनका विंग बना है, वो लोग आते हैं और लास्ट जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे उनमें हमने उनको सीट्स दी थी। अब गवर्नमेंट ने तो अब सीट्स एलोकेट की हैं, लास्ट उसमें टेन्योर में नहीं थी लेकिन एमकेएम ने दी थी, तो उनके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी काफ़ी लिबरल किस्म का है और अगर कुछ चीज़ें और आती हैं इस तरह के तो उसमें हमारी भी कोशिश होगी कि वो हो, क्योंकि हम जहाँ पर हैं जिस अपनी कैपेसिटी में हम वो काम करें, और हमें ये है कि कम से कम एमकेएम जो है वो इस तरह से लिबरल है कि हम वहाँ पर बड़ी आज़ादी से काम कर सकते हैं, और जब बात करते हैं तो एटलीस्ट आप कोई भी अगर मैं बात करूं मेरी पार्टी मेरे पीछे खड़ी ना हो तो मैं कभी भी बात नहीं कर सकती, तो हमारे लिए ये एक बड़ी हिम्मत की बात होती है कि हम बात करें और उसके बाद बाज़ औक़ात आउट ऑफ बॉक्स जाके भी आपके मैनिफेस्टो से अलग भी कुछ चीज़ें होती हैं तो पार्टी आपको सपोर्ट कर रही होती है। जब मसला आ जाए राइट्स का, माइनॉरिटीज़ के राइट्स हों या उसके वुमेन के भी राइट्स हों, तो पार्टी सपोर्ट ऑलवेज करती है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी हर इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो कमेटी बनती है तो कुछ और भी तजावीज़ अगर आएंगे कहीं से तो वो भी उसको इंक्लूड करेंगे उसमें। सही, ज़बरदस्त। और हमारी तरफ से तो मैम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सारी माइनॉरिटीज़ के सारे राइट्स की आप बात करें ताकि एटलीस्ट आपका हम फ़ायदा उठा सकें कि हमारा एक हमारी जो एक शख्सियत है वो हमारी तर्जुमानी कर रही हैं, एटलीस्ट एमकेएम में तो कुछ बात बने। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भी ट्रांसजेंडर्स को
वहाँ पर अपनी जगह दी है और अभी आप भी कह रहे हैं और उम्मीद है कि बड़ी बड़ी पार्टी ज़रूर इस सेटअप पे आएंगी। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने वाले हैं और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर लोगों को इनक्रेज करें कि वो मेन स्ट्रीम में भी आएँ, हर जगह पर हर पार्टी के साथ आएँ। आप बराए मेहरबानी उनको बताएं कि क्या तरीका हो सकता है, किस तरह से वो इलेक्शन में हिस्सा लें, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे वो कर सकते हैं ताकि उनकी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे। असल में हमारी कम्युनिटी का थोड़ा सा मसला ये भी है कि हम लोग थोड़े से लापरवाह होते हैं, क्योंकि हम जब वोट का इंदराज हो रहा होता है हम शनाख्ती कार्ड बनवाने में लापरवाही करते हैं। अनटिल अनलेस हमें जब बहुत ज़रूरत पड़ती है तो मोस्टली फिर हमें ज़रूरत है तो हमें जाना होता है। मेरी ये सबको मैसेज भी होगा कि सबसे पहले अभी भी हर जितने भी यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन ने डिस्प्ले सेंटर लगाए हुए हैं। ठीक है, जिन इलाकों में हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो वहाँ पर जाएँ, वहाँ के यूसी ऑफिसेज में जाएं और वहाँ वो देखें कि आइदर उनका वोट उसमें शामिल है या नहीं है। 19 जून तक ये डिस्प्ले सेंटर रहेंगे। अगर आपका वोट वहाँ पे नहीं है तो आप वहाँ पर फॉर्म लें, शायद फॉर्म 13 या कोई आता है, आप वहाँ मालूमात करें और अपना वोट दर्ज करवाएं। क्योंकि आपने अगर वोट दर्ज नहीं करवाया हो सकता है आपका ही कम्युनिटी का कोई बंदा खड़ा होता है और वो आप उनको वोट नहीं दे पाते तो फिर हम फिर कैसे शिकायत करेंगे किसी से। तो वोट अपना दर्ज करवाएं, उसके बाद अवेयर रहें और जहां पर अक्लियतों की ज़्यादा आबादी है वहां आबादी के हिसाब से उनसे नेगोशिएशन करें, उनसे बात करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर माइनॉरिटी के काउंसलर की अगर हमारे पास सीट है तो हम उसी सीट पर जाएं। हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास ख्वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, हम उनसे नेगोशिएट करके हम जनरल काउंसलर पे जाएं। हमें अगर मेन स्ट्रीम में आना है तो डायरेक्ट आप प्रोविंशियल या नेशनल मुश्किल होगा, लेकिन ये लोकल बॉडीज़ एक ऐसा आपके पास मौका है कि आप मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। आप जनरल काउंसलर के लिए आ जाएं, जब आपको मेजॉरिटी के लोग उस पर वोट देंगे तो उनका माइंड बनेगा और फिर वोट आना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद काम करके दिखाना है। और हम क्योंकि माइनॉरिटी के हैं हमें अपने आप को ज़्यादा प्रूफ करना होगा ताकि जब कंपैरिजन हो तो कहे जी नहीं मंगला शर्मा के साथ वो भी थी फलां भी थी, लेकिन क्योंकि मंगला का काम बहुत ज़्यादा है तो आप उसको वोट आगे को वोट देने वाले आप मजबूर हो जाएं कि वो आपको वोट दें। तो हमें काम मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन हम कहीं मैदान खाली ना छोड़ें। और ये ठीक है कि वो कर लेंगे और हम बाद में देख लेंगे, तो आज और अभी से इस पर कब लग जाएं और जहाँ जाएं अपने वोट ज़रूर दाखिल करवाएं। क्योंकि जब आप वोट दाखिल नहीं करवाएंगे सही वो फिर चीज़ें मर्दमशुमारी में नहीं आती, जब हम गिने नहीं जाएंगे तो फिर हमें उस तरह से उनकी फैसिलिटीज़ और हमें राइट्स भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। VTL टेलीविज़न चैनल एक बहुत ही खूबसूरत काम कर रहा है और ख़ास तौर पर अक्लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो उनकी कोशिशें हैं उनको हम सराहते हैं। और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम लोग जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं, मेरा आप तमाम लोगों को पैगाम है, ख़ास तौर पर औरतों को पैगाम है और उन नौजवानों को पैगाम है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानें और जब हम बात करते हैं कि हमें राइट्स चाहिए तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखें कि अगर हमें राइट्स मिल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। बहुत सारे हम जहाँ पर भी हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस इदारे में काम करते हैं, जिन लोगों के साथ करते हैं, मुखलिस होकर काम करें। और तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे, हमारी यूथ तालीम हासिल नहीं करेगी तो हम किस तरह के ख्वाब देख सकते हैं कि हम आगे जाके बहुत मेन स्ट्रीम में कोई अपना किरदार अदा कर सकें। इलेक्शन में शामिल होना, मेन धारे में शामिल होना, इसके लिए जो कोशिशें दरकार हैं उसमें आप तमाम यूथ आएँ, अपने अपने इलाकों में अपने वोट दर्ज करवाएँ। तालीम याफ्ता साफ़ सुथरे नौजवान बच्चियाँ औरतें हम साथ आएँ और आके इसमें शामिल हों, इलेक्शन में हिस्सा लें और देखें अपना जो किरदार अदा है उसमें अदा करें ताकि इस मुल्क की तरक्की में हम उस तरह से किरदार अदा कर सकें जैसा कि मुल्क को हमारी ज़रूरत है। एक मरतबा फिर VTL टेलीविज़न का शुक्रिया और आपकी इस कोशिशों को खराज तहसीन है कि आप इस तरह से तमाम कम्युनिटी को मोटिवेट कर रहे हैं और एक दिन आपकी कोशिशें ज़रूर रंग लाएंगे और पाकिस्तान में अकलियतें उसी तरह से महफूज भी होंगी, मजबूत भी होंगी और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार भी अदा करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और VTL भी आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ थे और हमने बहुत सारी खूबसूरत बातें आपसे की,
सीखी, और उम्मीद है कि हमारे जो लोग हैं वो इस सारी गुफ्तगू से फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिस पे मैं कुछ बातें कर सकी, और मुझे उम्मीद है कि कुछ जो कुछ बातें मैंने की हैं वो हमारी ख्वातीन, हमारे नौजवान उसको सुनेंगे और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों का थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। मैम हमेशा हम्बल तबीयत की मालिक हैं और हमेशा आपके लिए हर प्लेटफॉर्म पर तैयार रहती हैं। उम्मीद है कि आप जब भी उनको याद करेंगे वो आपके साथ खड़ी मिलेंगी। आपका सबका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.